हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कम्पिटिटिव मैथ्स में। आज इस वीडियो में आर एस अग्रवाल का अनुपात समानुपात का प्रश्नमाला 1-20 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन आप सीरियल से केयरफुली होकर के देखिएगा। आपको बहुत ही सरल विधि देखने को मिलेगी और बहुत कम समय में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसके तरीके क्या हैं सॉल्व करने के। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए अनुपाते बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपाते सी बराबर 8:9 हो तो ए अनुपाते सी का मान निकालना है। तो देखिएगा इसका शॉर्टकट तरीका, ए अनुपाते बी बराबर दिया है 3:4, पहले इसको लिख लेंगे, और बी अनुपाते सी बराबर यहाँ पर दिया है 8:9। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ये करना है कि ये जो बी यहाँ पर दो जगह है सेम है, तो यहाँ पर भी b की प्लेस पर जो वैल्यू है तो वो भी सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं है तो आप गुणा कर दीजिए 8 का इन दोनों के साथ और ये 4 का गुणा कर दीजिए इन दोनों के साथ, तो देखिए वैल्यू चेंज हो जाएगी अनुपात की। तो 8 3 24 अनुपात 8 4 32 और इसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी 4 8 32 अनुपात 4 नहीं है 36। अब यहाँ पर देखिए, अब वैल्यू तो सेम हो गई, बी जो यहाँ पर सेम है दो जगह, तो यहाँ पर भी वैल्यू ये सेम है, हमें इन्हीं दो वैल्यू को देखना है। तो अब लास्ट में पूछा ए अनुपाते सी, तो ए और सी ये इधर की, तो ए का मान 24 हो गया, सी का मान 36, तो यहाँ पर लास्ट में निकाल लेंगे ए अनुपाते सी बराबर 24:36। कैंसिल आउट करेंगे 12 से दोनों को, 12 2 24 12 3 36, तो इसी का वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2:3 होगा फर्स्ट का सल्यूशन। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड नंबर, यदि ए अनुपाते बी 3:2 और बी अनुपाते सी 3:4 हो, तो इसमें भी सेम इसी तरह करेंगे, इसको पहले इसको लिख लेंगे वैल्यू को, ए अनुपाते बी बराबर 3:2 और बी अनुपाते सी बराबर 3:4। यहाँ भी देखिएगा, ये जो बी दो जगह है देखिएगा कामन है, तो यहाँ पर तो ये 3 है और यहाँ 2 है, तो सेम नहीं है ये इधर, यहाँ तो सेम वैल्यू है, तो 3 का गुणा इसमें करेंगे दोनों के साथ, 3 का गुणा इन दोनों के साथ करना है और 2 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ, इस 4 के साथ भी करेंगे और 3 के साथ भी करेंगे। तो देखते हैं वैल्यू कितनी मिलती है, 3 3 9 अनुपात 3 2 6 और यहाँ पर 2 3 6 अनुपात 2 4 8। फिर लास्ट में पूछा ए अनुपाते सी, तो ए और सी यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये बी वाली कामन वैल्यू को छोड़ देंगे, ए और सी लिख देना है यहाँ पर, ए अनुपाते सी बराबर 9:8, यही इसका उत्तर हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि W1:W2 2:3 है और W1:W3 1:2, तो W2:W3 पूछ रहा है, तो इसी तरह सेम सॉल्व करेंगे इसको भी, W1:W2 बराबर 2:3, इसी में लिखेंगे, नेक्स्ट दिया है W1:W3 बराबर यहाँ पर दिया है 1:2। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ W1 सेम है, तो इन प्लेस में यहाँ सेम वैल्यू देखना है इधर, यदि नहीं है सेम तो फिर वही गुणा करेंगे, 1 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ और 2 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ, तो देखिए वैल्यू चेंज हो जाएगी और वैल्यू यहाँ की वैल्यू सेम हो जाएगी ये वाली, तो 1 का 2 से करेंगे तो 2 आएगा अनुपात 1 का 3 से करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, फिर इसी तरह 2 का 1 से करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा अनुपात 2 2 4। अब देखिए सेम हो गई, W1 सेम हो गया, तो लास्ट में W2 और W3 का अनुपात पूछ रहा है, तो W2 और W3 ये किनारे वाली वैल्यू लिख देंगे, अतः W2:W3 बराबर 3:4, क्योंकि W2 का ये वाला मान होगा, W3 का मान होगा 4, क्योंकि ये वैल्यू तो सेम आ गई यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसे ऑप्शन से सॉल्व करेंगे, देखिए ऑप्शन से कैसे, इसमें फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है 8:A = 8:B, तो क्या होता है इसमें मध्य पदों का जो गुणा होता है वो बाह्य पदों के गुणा के बराबर होता है, तो देखते हैं यहाँ, तो यहाँ नहीं आएगा ए बी बराबर 64, जिस ऑप्शन में आ जाएगा वही ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ तो 8 ही आएगा बराबर 8B, यहाँ पर भी गुणा करेंगे इन दोनों का मध्य पदों का और ये
बाह्य पदों का गुणा करेंगे तो 4a = 16 भी ये भी नहीं होगा। यहाँ भी गुणा करके देख लेंगे और इधर भी गुणा करके देखेंगे तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर इक्वल ये जो इतना लिखा है वो ऑप्शन में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बाहरी पदों का गुणा करें और मध्य पदों का गुणा करेंगे तो देखिए ab = 32 * 64 तो हमारा डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि a = b = 3:4 तथा b = c = 4:7 हो तो a + b + c/c का मान पूछ रहा है। तो इसको देखिएगा सोल्यूशन कैसे करेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं a = b = 3:4 और b = c दिया है 4:7। अब यहाँ देखें b तो दो जगह है, कॉमन है ये इन प्लेस पर, तो यहाँ भी ये कॉमन है। तो जब कॉमन है b की वैल्यू यहाँ पर, तो ए बी सी का यदि अनुपात निकालना होगा ए बी सी का, तो वैल्यू मिलेगी a की 3, पहले निकाल लेंगे अनुपात है, b का मान तो 4 डिसाइड हो गया तो वैल्यू b के 4 और c का मान बचेगा 7। ये a = b = c मतलब ए बी सी की वैल्यू हो गई। अब इसका मान पूछ रहा तो यहीं पर निकाल लेते हैं। तो देखिएगा a + b + c / c = अब वैल्यू पुट करेंगे ए बी सी के तो तीनों को जोड़ लेंगे 3 × 4 × 7 बटे सी है तो सी का मान 7 है तो बटे 7 तो वैल्यू आ जाएगी 7 × 4 = 13 = 14 बटे 7 × 7 = 7 × 7 = 14 दो वैल्यू होगी इसकी। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर, यदि ए का 60% = b/3/4 हो तो a = b। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे जैसा लिखा है उसी तरह लिखेंगे। का मतलब गुणा होता है 60, जब प्रतिशत का सिंबल हटेगा तो बटे 100 आ जाएगा बराबर बी। यहाँ भी गुणे लगाएंगे 3/4। अब यहाँ पर वैल्यू देखिएगा 0 0 कैंसिल करेंगे, अब 2 से और कैंसिल करेंगे 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10। अब यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ a गुणे 3 करेंगे तो 3a हो जाएगा बटे 5 बराबर, यहाँ b गुणे 3 करेंगे तो 3b हो जाएगा बटे 4, तो 3 कैंसिल आउट। अब a/5 = b/4 तो यहाँ पर अनुपात हो जाएगा a/b, यही वैल्यू लिख देंगे 5 और 4। a का मान जब भागफल में के रूप में लिखा हो तो ये वैल्यू खुद की होती है, जैसे a का मान 5 हो जाएगा अनुपात में और b का मान हो जाएगा 4, हमें यही फाइंड करना था। तो इसका सोल्यूशन 5:4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि a = b/4/5 तथा b = c/5/2 हो तो a = c। समझिएगा यहाँ पर क्या दिया है, a b = 4/5 है तो यहाँ पर लिख देंगे a = b, सीधा सीधा लिख देंगे 4:5 हो जाएगा। और ये कह रहा है b c/5/2 है तो b = c हो जाएगा इस पर 5:2। अब देखिएगा यहाँ पर जो ये b कॉमन है तो कॉमन यहाँ पर ये भी सेम है, यदि b दो जगह है तो यहाँ पर 5 दो जगह है तो ये सेम वैल्यू है, तो डायरेक्ट पहले लिख लेंगे a = c डायरेक्ट लिख लेंगे। जब यदि ये सेम है तो 4 और 2 होगा a = c, इसमें पूछा है लास्ट में a = c, तो 4:2। अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2 से 2 = 2, 2 = 4, 2 = 1, तो यही फाइनल इसका आंसर कितना हो जाएगा 2:1। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि x/y = 12:5 और z/y = 21:16 हो तो x/z, तो दोनों को पहले यहाँ पर लिख लेंगे x/y = दिया है 12:5 और नेक्स्ट दिया है z/y = दिया है 21:16। यहाँ पर y की वैल्यू सेम लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू डिफरेंट है, ये दोनों इसको कॉमन देखिएगा 16 का गुणा यहाँ करते हैं 5 का गुणा इधर करेंगे तो वैल्यू अब सेम हो जाएगी। तो 16 × 12 करेंगे तो देखेंगे 16 × 2 = 32 हासिल 1 16 1 = 16 16 3 = 19 192। अब 16 × 5 = 80 सेकेंड वैल्यू 80। फिर इसी तरह 5 का दोनों के साथ गुणा करना है तो 21 × 5 = 105 अनुपात 16 × 5 = 80 5 का 16 से गुणा करेंगे। अब ये वैल्यू सेम हो गई वाई वाली, तो लास्ट में x/z, तो यहाँ पर x/z निकाल लेंगे x/z = x का मान 192 और z का मान कितना हो जाएगा 105। अब इसको कैंसिल करेंगे तो देखिएगा 3 से 3 = 18 फिर इसके बाद 12 हो गया 3 × 4 = 12 यहाँ पर 3 × 3 = 9 और 3 × 5 = 15 तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी अनुपात में 64:35 ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा
नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि 2a इक्वल टू 3b तथा 4b इक्वल टू 5c हो तो a अनुपात c, मतलब a रेशो c। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले 2a इक्वल टू 3b है, तो समझिए a और b का जब रेशो निकालेंगे, मतलब अनुपात a अनुपात b, तो a का निकालना है तो एक अपनी वैल्यू छोड़ देता है, ये वाली वैल्यू लेगा, तो a का अनुपात ये हो जाएगा, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। और जब b की निकालेंगे तो तीन को छोड़ देगा, तो मतलब b का मान ये, इस तरह लिखना पड़ेगा। या फिर इस तरह हो कि a b b आ जाएगा a के बटे में, तो दो चला जाएगा तीन के बटे में, तो तीन अनुपात दो बन जाएगा, ऐसे लिख लीजिए। इसी तरह b अनुपात c लिखेंगे, b अनुपात c लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, पाँच अनुपात चार, पाँच अनुपात चार। अब यहाँ देख रहे हैं कि b ये सेम है, तो यहाँ पर तो ये डिफरेंट वैल्यू दी हुई है, पाँच और दो है, तो सेम करना है, तो पाँच का गुणा इधर दोनों के साथ और दो का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ। तो देखते हैं, पाँच त्याई पंद्रह अनुपात पाँच दूनी दस, और यहाँ दो पंचे दस अनुपात दो चौको आठ। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है लास्ट में, ए अनुपात सी, तो ए और सी निकालना है, तो ये जो सेम वैल्यू है बी के जगह पर, सेम वैल्यू इसको छोड़ देंगे, ए और सी को निकाल लेंगे, तो यहाँ पर ए अनुपात सी बराबर हो जाएगा पंद्रह अनुपात कितना होगा आठ, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट टेन नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर सात अनुपात नौ तथा बी अनुपात सी बराबर एक अनुपात पाँच हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है, पूछ रहा है इसमें। तो देखिए सेम उसी तरह पहले दोनों लिख लेंगे, ए अनुपात बी बराबर सात अनुपात नौ और बी अनुपात सी बराबर दिया है, इसी में वैल्यू दे रखा है एक अनुपात पाँच। अब देखिए यहाँ पर बी सेम है दोनों जगह, तो इसकी जगह की वैल्यू ये डिफरेंट दी हुई है, तो सेम करना है, तो एक का गुणा इन दोनों के साथ और नौ का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ। तो देखते हैं, जब एक का गुणा दोनों के साथ करेंगे तो सात अनुपात नौ ही आएगा, और नौ का गुणा करेंगे तो नौ एक कम नौ अनुपात नौ पना पैंतालीस पाँच बार। अब ये वैल्यू सेम हो गई, तो अब ए का मान सात हो जाएगा, एक ही जगह सात है, तो देखिएगा ए अनुपात बी अनुपात सी जब लिखेंगे तो एक ही जगह सात है, तो इसका मान सात अनुपात बी का मान, ये जो सेम है तो ये क्लियर हो गया कि नौ हो गया। फिर सी का मान पैंतालीस है, यहाँ पर पैंतालीस लिख देंगे, तो सात अनुपात नौ अनुपात पैंतालीस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इलेवन नंबर, यदि a अनुपात b बराबर पाँच अनुपात सात तथा b अनुपात c बराबर छः अनुपात ग्यारह हो तो a अनुपात b अनुपात c, सेम क्वेश्चन है दोनों, इसको देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। a अनुपात b यहाँ पर दे रखा है वैल्यू पाँच अनुपात सात, इसी में दिया है b अनुपात c बराबर दिया है, सॉरी यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं a अनुपात b और b अनुपात c, लास्ट में यहाँ पर लिख लेंगे ए बी सी को कैपिटल लेटर में कर देते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो बी अनुपात सी दिया है छः अनुपात ग्यारह। अब यहाँ पर देख लेंगे ए अनुपात बी है, ये सेम वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो ये डिफरेंट वैल्यू है, ये जो बी कॉमन है, लेकिन यहाँ तो छः और सात है, छः का गुणा कर दीजिए इन दोनों के साथ और इस सात का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ करेंगे, छः और ग्यारह के साथ। देखते हैं छः पंचे तीस अनुपात छः सते बयालीस, और इसमें हो जाएगी वैल्यू छः सते बयालीस अनुपात ग्यारह और सात गुणा करेंगे तो ग्यारह सात सतहत्तर, तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी इसकी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। अब ए का मान डिसाइड हो गया कि तीस होगा अनुपात, बी का भी यहाँ पर कॉमन वैल्यू ये बयालीस आ गई, तो यहाँ पर बी का मान बयालीस अनुपात और सी का मान इस वाले में देखिएगा तीसरे नंबर में सतहत्तर दिया है, तो ये तीस बयालीस सतहत्तर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बटे एक्स अनुपात एक बटे वाई अनुपात एक बटे जेड बराबर दो अनुपात तीन अनुपात पाँच हो तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान। यहाँ पर देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर ये देखिएगा एक बटे एक्स की वैल्यू क्या रख रहा है यहाँ पर दो, तो यदि हम इसको दोनों को बराबर करेंगे तो अतिरिक्त गुणा कर देंगे, तो देखिएगा दो एक्स बराबर कितना एक, तो एक्स बराबर एक बटे दो मिल जाएगा। देखिए एक्स बराबर कितना मिला एक बटे दो, तो हमें एक्स वाई जेड का अनुपात डायरेक्ट निकालना, तो देखिएगा एक्स वाई जेड का जब अनुपात निकालेंगे तो जब एक्स का मान एक बटे दो हो गया दो से, तो इसी तरह इसका कितना हो जाएगा एक बटे तीन इसका भी, और इसका कितना हो जाएगा एक बटे पाँच। अब इसमें क्या करते हैं दो तीन पाँच का एलसीएम, दो तीन पाँच का हमें एलसीएम एलसीएम लिखना है, तो दो तीन पाँच का एलसीएम कितना आएगा तीस, एलसीएम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर तीस का गुणा कर देंगे तो एक बटे दो गुणे तीस अनुपात एक बटे तीन गुणे तीस, एलसीएम का गुणा कर देंगे अनुपात
यहाँ पर अनुपात का सिंबल लगाते जाना है, 1/5 × 30 तो वैल्यू आएगी, देखिए 2 से कैंसिल करेंगे तो 15, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 3 × 30, 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 × 6 = 30, तो मतलब क्या आ जाएगा 15, 10 और 6 का अनुपात आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा 15:10:6, ये फाइनल आंसर इसमें आएगा। तो एलसीएम को गुणा कर देंगे लास्ट में, हर का एलसीएम लेके देखिएगा। 30 नंबर, यदि 2a = 3b = 4c हो तो a:b:c का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिएगा जब भी गुणनफल के फॉर्म में लिखा हो, गुणनफल के रूप में, तो यहाँ डायरेक्ट निकाल देते हैं, देखिएगा abc का मान, abc का अनुपात, तो जब a का मान निकालना हो तो ये अपनी वैल्यू छोड़ देगा, 3 और 4 का गुणा करेंगे तो 3 × 4 = 12, अब जब b का निकालेंगे तो 3 को छोड़ देंगे तो 2 और 4 को गुणा करेंगे, 2 × 4 = 8 अनुपात, जब c का निकालना होगा तो 4 को छोड़ देंगे और शेष का गुणा कर देंगे तो 2 × 3 = 6, अब इसको कैंसिल आउट कर देंगे एक ही संख्या से, तो देखिएगा इसमें 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6, तो अनुपात आ जाएगा 6:4:3, ये फाइनल इसका रेशो आएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि a/3 = b/4 = c/5 हो तो a:b:c बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ सिंपल है, देखिएगा डायरेक्ट इसका अनुपात निकाल देंगे ए बी सी का, अब यहाँ देखिएगा भागफल के रूप में जब लिखा हो इस तरह बटे के रूप में, तो ये खुद की वैल्यू यहाँ पर लेते हैं तो a का 3 हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा 4 और c का मान हो जाएगा 5, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि a/b/3 तथा b/c/2 हो तो a:b:c, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर जब ये a/b/3 है तो b को जब बटे में ले आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ 1 बचेगा यानी 1:3 हो जाएगा, a और b का अनुपात कितना हो जाएगा 1:3, या फिर इसके बटे कुछ नहीं तो 1 कर लेते हैं प्रश्न में, और इसके भी बटे कुछ नहीं तो इसके भी बटे 1 कर लेते हैं, तो ये भागफल के रूप में लिख गया, तो यहाँ पर a:b डायरेक्ट लिख देंगे 1:3, और यहीं पर देखिएगा b और c का अनुपात जब निकालेंगे तो ये सीधी सीधी वैल्यू हो जाएगी इसमें 1:2, अब यहाँ पर देखिए कॉमन ये 2 जगह है, तो यहाँ पर एक कॉमन वाली वैल्यू डिफरेंट है, जो ये कॉमन यदि यहाँ दोनों बी भी है तो यहाँ पर तो 1 और 3 है, तो इसमें 1 का गुणा यहाँ पर 3 का गुणा, पहले सेम कर लेंगे तो देखिए 1 का गुणा जब करेंगे तो 1:3 ही रहेगा, और 3 × 3 = 3 × 2 = 6, अब तो ये सेम हो गई वैल्यू, तो अब ए बी सी का अनुपात निकालना है, तो यहाँ पर लिख देंगे a:b:c बराबर, ए का मान 1 है तो 1:b का मान, देखिए कॉमन वाली वैल्यू, तो यहाँ पर बी का मान 3 हो जाएगा अनुपाते, और c का मान हो जाएगा, c की जगह 6 आ गया है तो ये 6, तो 1:3:6 इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर थोड़ा केयरफुल होकर के देखिएगा, और आपको सभी वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में प्राप्त हो जाएंगे, तो वहां से आप डिटेल भी इस टॉपिक का देख सकते हैं, डिटेल में आपको सब कुछ समझ में आएगा, तो फिर आप किसी भी बुक से आप सॉल्व करेंगे, कोई भी बुक ले लीजिए जो स्टैंडर्ड बुक हो, तो उसे आप सवाल सभी सॉल्व कर पाएंगे विद इन सेकेंडों में, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करिए, वहाँ से आपको सभी टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे, वो भी डिटेल से, ये तो आर एस अग्रवाल का भी सलूशन है। तो देखिएगा इसका 16 नंबर क्वेश्चन, यदि a:30% = b:0.25 = c:1:5 हो तो a:b:c, देखिएगा इसमें जिस तरह लिखा उसी तरह लिख देंगे, a:30% = b:0.25 = c:1:5, आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं, का मतलब गुणा होता है तो a गुणे और 30, प्रतिशत हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100 बराबर b गुणे का मतलब गुणा 0.25 है तो बटे, दशमलव हटा करके बटे में 2 जीरो लगाएंगे क्योंकि 2 अंक हैं, बराबर c गुणे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1:5, अब यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 25 × 25, 25 × 4 = 100, तो यहाँ पर बन जाएगा 3a/10 बराबर बी का 1 से गुणा करेंगे तो b/4 बराबर सी का 1 से गुणा करेंगे तो c/5, अब यहाँ पर देखिए ऊपर एक संख्या आ गई है, तो अब इसके लिए देखिए डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ए बी सी का अलग अलग पहले मान निकालते हैं फिर इसको यहाँ पर लिख देंगे a:b:c बराबर, तो देखिए a का मान जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो
ए के मान के लिए जो भागफल वाली वैल्यू है वो तो लेगा, खुद की वैल्यू लेगा, इनटू बाकी इस ये वाली वैल्यू गुणांक एक है, यहाँ भी एक है, तो जब 10 गुणे एक करेंगे तो वैल्यू तो 10 आएगी। ये वाली वैल्यू लेगा, बाकी ये मान छोड़ देगा जो गुणनफल में ऊपर वाली है, तो अंश में इसका गुणांक तो एक एक है, तो ये 10 आ गया अनुपात। अब जब बी का निकालेंगे तो देखिएगा बी का ये चार वैल्यू लेगा, चार को लेगा, और जो गुणनफल वाली है तो ये इसकी और इसकी लेगा वैल्यू, तो यहाँ पर 3 और 1 तो 4 3 12, तो यहाँ पर बी का मान 12 हो जाएगा। और जब सी की निकालेंगे तो सी ये खुद की वैल्यू लेगा, एक्सेप्ट करता है बटे वाली वैल्यू, और बाकी ये इधर के गुणांक तो 3 गुणे 1, गुणांक जब यहाँ कुछ ना हो तो 1 होता, तो 5 3 15, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 15, यही इसका आंसर हो जाएगा, 10 12 15 अनुपात आएगा। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, तो ये आप डिटेल से देख लीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 7 हो तो a प्लस बी प्लस सी अपान सी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं। अब यहाँ पर भागफल के रूप में लिखा हुआ है तो a का मान 3 होगा, b का मान 4 और c का मान 7, इसमें पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो देखिएगा a प्लस बी प्लस सी बटे सी बराबर, तो ए बी सी के मान यही होंगे 3 + 4 + 7 बटे, और C का मान यहाँ पर आ जाएगा 7, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 4 11 3 14 / 7 कैंसिल आउट कर देंगे 2 से 7 2 14, 2 होगी इसकी वैल्यू, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिएगा 18 नंबर, यदि A अनुपाते B अनुपाते C बराबर 2 अनुपाते 3 अनुपाते 4 हो तो A बटे B अनुपाते B बटे C अनुपाते C बटे A बराबर क्वेश्चन मार्क। ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, देखिएगा इसका सोल्यूशन देखिए। यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू तो यही होगी, ए का मान 2, बी का मान 3, सी का मान कितना होगा 4, यही पुट करेंगे इसमें, ए बटे बी अनुपाते बी बटे सी अनुपाते सी बटे ए बराबर। अब यहाँ पर ए बी का मान रखेंगे यहाँ पर 2 बटे 3 अनुपाते, अब बी सी तो यहाँ बी सी का मान ये है 3 बटे 4 अनुपाते, सी ए है लास्ट में तो सी और ए तो 4 बटे 2। अब ये देखिएगा ये इसको सरल अनुपात में बदलना है, ये तो भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो 3 4 2 का एलसीएम ले लेंगे, 3 4 2 हमें एलसीएम लिखना है यहाँ पर, तो एलसीएम देखिएगा यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 12, एलसीएम कितना आएगा 12, तो 12 का गुणा कर दीजिए 2 बटे 3, अब गुणे 12 अनुपाते 3 बटे 4 गुणे 12 अनुपाते 4 बटे 2 गुणे 12, कैंसिल आउट करेंगे 3 1 3 3 4 12, 4 1 4 4 3 12, 2 1 2 2 6 12, अब जो आएगी वैल्यू तो गुणा कर देंगे आपस में और लिख देंगे अनुपात, सरल हो जाएगा 2 4 8 अनुपात 3 3 9 अनुपात यहाँ हो जाएगा 4 6 24, ये इसका सरल अनुपात होगा। तो नेक्स्ट देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, यदि A अनुपात B बराबर 3 अनुपात 4 और B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 7 तथा C अनुपात D 8 अनुपात 9 हो तो A अनुपात D का मान देखिएगा, सीधा सीधा पहले लिख लेंगे A अनुपात B कितना दिया है 3 अनुपात 4, जो वैल्यू दी है उसको लिख लेना है, B अनुपात C कितना दिया है 5 अनुपात 7 और C अनुपात D यहाँ पर दे रखा है 8 अनुपात 9। अब इसमें वैल्यू पूछ रहा है A और D के रेशो में पूछ रहा है, ए अनुपात डी इसमें लास्ट में क्या पूछा है ए और डी का, तो देख रहे हैं कि ए और डी सिंगल सिंगल है, बाकी तो दो दो बार है, बी भी दो बार है सी भी दो बार है, तो ये जो सिंगल है तो देखिए ए का मान जब निकालना हो तो इसी के साइड का गुणा करेंगे, मतलब 3 5 और 8 का गुणा कर देंगे, तो जब 3 5 8 इनका आपस में गुणा कर देंगे सभी का तो 5 3 15 6 120 हो जाएगा ए का मान अनुपात, और जब डी का निकालना होगा तो इस साइड का गुणा कर देंगे, मतलब इनका आपस में गुणा कर लेंगे, तो 7 4 28 × 9 करेंगे तो 252 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 12 से कैंसिल आउट होता है, 12 10 120, यहाँ भी देखिएगा 12 2 24, 1 12 हुआ, 12 1 12, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो 10 अनुपात 21 आएगा। इस तरह सॉल्व कर देना है यदि ए और डी का पूछे। 20 नंबर क्वेश्चन आप केयरफुल होकर के देखिएगा, इसका डिटेल से भी आप तो समझ लीजिए और डायरेक्ट फिर कैसे लिखेंगे दोनों चीज़। तो देखिए 20 नंबर, यदि A अनुपात B बराबर 2 अनुपात 3
बी अनुपाते सी बराबर 9:9:7 तथा सी अनुपाते डी बराबर 14:15 हो तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो देखिएगा ए अनुपात बी दिया है जो, तो उसको लिख लेंगे 2:3 और बी अनुपाते सी बराबर दिया है 9:7। वहीं पर सी अनुपाते डी दिया है 14:15। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखिएगा, जब चारों का अनुपात इसे पूछे ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी, सम्मिलित रूप से चारों का पूछ रहा है, तो अलग अलग पहले देखिए कैसे निकालेंगे। ए और डी का तो सिंपल है, उसी तरह निकालना है जैसे अभी जस्ट 19 नंबर सॉल्व किए। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू जब ए की निकालना होगा तो इन सब का गुणा करेंगे, मतलब 2×9×14। तो देखिएगा 14 नहीं 126, 2×2 252, ए का मान कितना आ जाएगा 252। बी की जब वैल्यू निकालना होगा तो बी के लिए देखिएगा ये 2 बार आया है और सी भी 2 बार आया है, ए और डी सिंगल सिंगल है। तो बी की वैल्यू जब निकालना हो तो बी से स्टार्ट करके और बी तक जाना है, तो देखिएगा बी की जब निकालेंगे तो 9 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ इसकी तो 9 है इस साइड और उस तरफ बी का मान यहाँ 3 है, तो 9×14 फिर ऊपर साइड जाएंगे, तो मतलब 9×14×, और ये आ जाएंगे यहाँ से 3 ऐसे, तो 14×3=42 होगा, इसका गुणा करने पर 42 आया। अब गुणा करेंगे तो 9×2=18 हासिल है, 1 9×36=137 378 आएगा। सी का निकालिए इसी तरह, तो सी से कहाँ तक जाएंगे, सी तक, तो सी का मान 14 है, फिर जस्ट ऊपर साइड देखेंगे तो 3 है और ये 7 है, इधर साइड का सी का 14 है और ये वाले सी का मान यहाँ कितना है 7 है। तो ध्यान दीजिएगा सी से सी तक जाएंगे, मतलब ये सी का मान ये 14 है और ये वाले सी का मान 7 है, तो हमें 3 का भी गुणा करना पड़ेगा, 14 के बाद 3 और 7 में जाना है, तो यहाँ 14×3×7 करेंगे तो यहाँ 7×3=21 आ गया। अब 21×84=4 हासिल 8, 21×8=29, 294 आ जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा डी का जब निकालना होगा फाइनल डी का, तो डी का निकालने के लिए इधर का सभी का गुणा करेंगे, तो 15×7=105, 105×3=315, तो यहाँ पर 3, 7 और 15 का गुणा कर देंगे, 3×7×15 तो बराबर आ जाएगा 315 इनका गुणा करने पर। अब इन्हीं वैल्यू को लिख देते हैं, तो अब देखिएगा यहाँ पर 252 जब ए का निकालना हो तो इनका आपस में गुणा करेंगे, देखिएगा 14×9=126 2×2=252 ये आ गया अनुपात। अब जब बी का निकालना हो तो बी से बी तक जाना है, मतलब 14×9=126 और × 3 करेंगे तो 378 आएगा, तो ये आ गया 378। फिर अनुपात जब सी का निकालना हो तो सी से सी तक जाना है, मतलब 14×3=42×7 करेंगे तो 294 आएगा, ये 294। फिर अनुपात और जब डी का निकालना होगा तो इसी साइड का गुणा कर देंगे, मतलब 15×7=105 और × 3 करेंगे तो 315। अब कैंसिल आउट करेंगे, तो कैंसिल आउट किससे करना है पहले देखिएगा, ये किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं सभी, तो पहले इसको काटेंगे 3 से सभी को, क्योंकि 3 से इसलिए कट रहा है क्योंकि देखिएगा 5, 1, 6, 3, 9 अंकों का योग 3 से कट रहा है, 9, 4, 13, 2, 15 ये भी 3 से कटेगा, 8, 7, 15, 15, 3, 18 3 से ये कट जाएगा और 5, 4, 9 तो 3 से कैंसिल आउट पहले कर लेंगे। तो देखते हैं 3×8=24 और फिर 3×4=12, 84 आया। 3 से इसको भी कैंसिल आउट करते हैं, 3×1=3, 3×2=6 और 3×6=18, 126 आ गया। 3 से इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 3×9=27, 2×24, 3×8=24 आए 98 आएगा, 3 से कैंसिल आउट करेंगे इसको भी, 3×3 भाग नहीं जाएगा तो 0 और 3×5=15। अब ये सभी 7 से कैंसिल होते हैं, तो देखिएगा जब 7 से कैंसिल करेंगे तो 12×7=84, 7 से कैंसिल करेंगे तो 7×1=7 और 56 हुआ, 7×8=56, मतलब 18×7=126, 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7×1=7, 7×4=28, 2×14=98 और 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7×1=7, 3×35 हुआ, 7×5=35, 15×7=105, तो 12×18=14×15 का इसका रेशो बनेगा, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर लास्ट में, यहाँ पर 12×18×14×15, तो ये इसका सल्यूशन आएगा कैंसिल आउट करने के बाद। तो ये लगभग इस वाले पार्ट में इतना ही कवर करेंगे 20 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट जस्ट सेकेंड पार्ट में 21 से आगे बढ़ेंगे, और आपको सभी वीडियो इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, इसका डिटेल भी टॉपिक अपलोड है वहाँ पर, पुलिस है, SI है, SSC, बैंक, रेलवे, RPF, CRPF, CISF, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, तो आपको
इस चैनल के प्लेलिस्ट में अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ से सर्च कर लीजिएगा, सभी वीडियो आपको वहाँ से फाइंड हो जाएंगे। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।